माननीय निर्णायक मंडल महोदय उपस्थित हमारे उनसे परिवार राजभाषा अधिकारी महोदय, सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ आप सभी को हिंदी दिवस की। और उसके बाद कई सब्जेक्ट आपने सुना, एक छोटा सा सब्जेक्ट कम समय मिला है, सेफ्टी जो है। कई हमारे भाई हमारे बीच आज नहीं है, उसी में मैं चार पंक्ति लाया हूँ कि हमारी मैडम जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो क्या कहती। शायद नारी शक्ति की बात हम मान लिए होते तो वो घटनाएं ना घटती। क्या कहती हैं गौर फरमाइए। कोशिश करता हूँ चार पंक्ति से आपके हृदय तक पहुँच पाऊँ। जब तुम काम पर जाओ, कहती हैं, समझाती हैं कि जो भी काम करना ढंग से करना, गाड़ी चलाना तो ढंग से करना, ढंग से चलाना, आरटीओ के नियम का पालन करना। क्या कहती हैं, जब तुम काम पर जाओ बलम हेलमेट लगाना तुम, जब तुम काम पर जाओ बलम हेलमेट लगाना तुम। क्या कहती हैं, कहती हैं कि वापस घर भी आना है, वापस घर भी आना है, ये मत भूल जाना तुम। जब तुम काम पर जाओ बलम हेलमेट लगाना तुम, जब तुम काम पर जाओ सजन हेलमेट लगाना तुम। वापस घर भी आना है, वापस घर भी आना है, ये मत भूल जाना तुम। जब तुम काम पर जाओ बलम हेलमेट लगाना तुम। नारी शक्ति को मेरा प्रणाम है। क्या कहती हैं आगे गौर फरमाइएगा, अगर बात उनकी हम मान लें तो शायद हम सुरक्षित रहें। क्या कहती हैं, क्या कहती हैं कि तेरा इंतजार करती हूँ, तुम्ही से प्यार करती हूँ, तेरा इंतजार करती हूँ, तुम्ही से प्यार करती हूँ, तेरा इंतजार करती हूँ, तुम्ही से प्यार करती हूँ, सुरक्षित काम करना बात ये बार बार कहती हूँ, सुरक्षित काम करना बात ये बार बार कहती हूँ। सुनिएगा, तेरा इंतजार करती हूँ, तुम्ही से प्यार करती हूँ, सुरक्षित काम करना बात ये बार बार कहती हूँ, सुरक्षित काम करना बात ये बार बार कहती हूँ। मेरा साजन मेरे आंगन हमेशा खिल खिलाना तुम, मेरा साजन मेरे आंगन हमेशा खिल खिलाना तुम। वापस घर भी आना है, ये मत भूल जाना तुम, जब तुम काम पर जाओ सजन हेलमेट लगाना तुम। ये तो सेफ्टी का हो गया। और जब मैं नारी की बात कर रहा हूँ, नारी शक्ति की बात कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इधर उधर ना भटकूँ, नारी शक्ति की ही बात की जाए। अभी मैम ने बहुत अच्छी कविता पाठ की, तो नारी शक्ति की बात अंतिम चार मंजर प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये सब्जेक्ट फिर अलग हो जाता है, ये सेफ्टी, और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब घर से हम निकलते हैं तो सेफ्टी के लिए मैडम हमें बोलती हैं, जब घर से निकलते हैं तो इस सब्जेक्ट के बारे में भी मैडम बोलते हैं। इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। और वो महीना आ रहा है, वो अक्टूबर महीने में क्या है, कहती हैं जैसे मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो कहती हैं कि भ्रष्टाचार का रुपया नहीं लाना, भ्रष्टाचार का रुपया नहीं लाना, ये सब को बताना, काम करना ईमानदारी से, ऐसा बचना बेईमान भ्रष्टाचारी से। भ्रष्टाचार का रुपया नहीं लाना, ये सब को बताना, काम करना ईमान
ईमानदारी से, सैया बचना बेईमान भ्रष्टाचारी से। और क्या कहती हैं देखिएगा, कहती हैं कि जब हिलाना तुम कानों की बाली मेरे लिए उठ लाली, जब हिलाना तुम कानों की बाली मेरे लिए उठ लाली, बच के रहना उस बीमारी से, असैया बचना बेईमान भ्रष्टाचारी से। भ्रष्टाचार का रुपया नहीं लाना, ये सब को बताना, काम करना ईमानदारी से, असैया बचना बेईमान भ्रष्टाचारी से। आखिरी बंद कहती हैं, विकसित भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लक्ष्य को पाना है विवेकानंद आनंद युक्त भारत, विवेकानंद आनंद युक्त भारत, दुनिया को दिखलाना है, कहेंगे सबसे समझेंगे, अब से ज्ञान हुआ है, जब से ज्ञान होगा तभी से समझेंगे ना, अरे कहेंगे सबसे संभलेंगे, अब से ज्ञान हुआ है, जब से कार्यालय से जब भी तुम आना, सच हमको बताना, झूठ ना कहना अपनी प्यारी से, असैया बचना बेईमान भ्रष्टाचारी से। भ्रष्टाचार का रुपया नहीं लाना, ये सब को बताना, काम करना ईमानदारी से, असैया बचना बेईमान भ्रष्टाचारी से, असैया बचना बेईमान भ्रष्टाचारी से, असैया बचना बेईमान भ्रष्टाचारी से। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।